माय चैनल कैसे हो दोस्तों। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी गुड वाइब्स रोजिप सीरम का रिव्यू। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। गुड वाइब्स रोजिप सीरम का रिव्यू मैंने पहले भी अपने चैनल पे किया है, उसके सारे बेनिफिट्स भी मैंने आपको वहाँ पे बताए हैं अच्छे से और उसके क्या क्या यूजेज हैं, आपको उससे क्या क्या फायदे हैं वो सारे मैंने वहाँ पे अच्छे से बताए हैं। तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन ये न्यू पैकेजिंग का रिव्यू आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो गाइज आप देख सकते हो ये है गुड वाइब्स का रोजिप सीरम जो कि है न्यू पैकेजिंग और पैराबिन फ्री है, सल्फेट फ्री है। 250 रुपीज इसकी प्राइस है और 2 साल की इसकी सेल्फ लाइफ मिलती है आपको यहाँ पे और 10 ml की बॉटल है। सेम टू सेम अगर हम बात करें ओल्ड पैकेजिंग की तो उसकी प्राइस 250 रुपीज है, 2 साल की आपको सेल्फ लाइफ वहाँ पे मिलती है और 10 ml की आपको वहाँ पे बॉटल मिलती है और उसके साथ साथ वो भी आपको पैराबिन फ्री और सल्फेट फ्री मिलती है वहाँ पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मैंने पकड़ रखा हुआ है ये है न्यू पैकेजिंग और ओल्ड पैकेजिंग की मैंने यहाँ साइड में आपको स्क्रीनशॉट लगा रखा है। तो आप देख सकते हैं दोनों की बॉटल सेम है, साइज सेम है। तो इन दोनों प्रोडक्ट में क्या डिफरेंट है अब मैं वो आपको बताऊंगी। तो अगर हम बात करें इसकी कंसिस्टेंसी की तो थोड़ा सी इनकी कंसिस्टेंसी में फर्क है, इंग्रेडिएंट में फर्क है। तो अब बात आती है कि इंग्रेडिएंट में क्या फर्क है। तो अगर हम बात करें ओल्ड पैकेजिंग की तो आपको वहां पे मात्र 3 इंग्रेडिएंट मिलते हैं। फर्स्ट आपको वहां पे रोजिप ऑयल तो मिलते ही मिलते हैं, साथ ही साथ आपको वहां पे आलमंड ऑयल, विटामिन ई और सीसम ऑयल मिलते हैं। बट अगर हम बात करें न्यू पैकेजिंग की तो आपको यहाँ पे रोजिप ऑयल तो मिलते ही मिलते हैं, साथ ही साथ आपको यहाँ पे सीसम ऑयल, आलमंड ऑयल, विटामिन ई ऑयल, जोजवा ऑयल और 2-3 इंग्रेडिएंट इसमें और ऐड किए गए हैं कि आपके जो इंग्रेडिएंट है वो बढ़ा दिए गए हैं न्यू पैकेजिंग में और साथ ही साथ इसकी जो ऑयल की क्वांटिटी है वो भी आपको यहाँ पे बढ़ा दी गई है। क्योंकि इस ऑयल की मात्रा के बढ़ाने की वजह से हुआ क्या है, जो न्यू वाला सीरम है वो थोड़ा सा ऑयली हो गया है कि जो ओल्ड वाला सीरम था वो मैं समर्स में इजिली अप्लाई कर लेती थी और मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता था कि मैंने अपनी स्किन पे कुछ लगाया है, बिल्कुल लाइट वेट लगता था और इजिली फेस पे एब्जॉर्ब हो जाता था वो सीरम और ऑयली ऑयली सा फील नहीं होता था। जो स्किन है वो ऑयली है तो मैं अपनी स्किन के अकॉर्डिंग आपको अपना यहाँ पे ओपिनियन दे रही हूँ दोनों सीरम को लेकर। तो जो ओल्ड पैकेजिंग वाला सीरम था वो मुझे ऑयली नहीं लगता था बट ये वाली सीरम लगाने के बाद मुझे काफी ऑयली ऑयली सा फील होता है और स्किन काफी ऑयली ऑयली सी लगती है, बहुत हैवी हैवी सा लगता है कि मैंने कुछ अप्लाई किया हुआ अपने फेस पे। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ न्यू पैकेजिंग की तो मैं समर्स में ये सीरम तो बिल्कुल नहीं यूज कर पाऊंगी, खासतौर डे टाइम पे तो बिल्कुल नहीं यूज कर पाऊंगी। लेकिन अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप इसे यूज कर सकते हो बट कॉम्बिनेशन स्किन वाले और ऑयली स्किन वाले इसे समर्स में बिल्कुल यूज ना करें। विंटर्स में ऑयली स्किन वाले और कॉम्बिनेशन स्किन वाले इसे यूज कर सकते हैं क्योंकि विंटर्स में ऐसे भी हमारी स्किन जो होती है वो रूखी सी हो जाती है तो हमें कुछ ऐसा चाहिए होता है जो जिससे हमारी जो स्किन है वो अच्छे से नरिश हो सके, तो आप इसे विंटर्स में यूज कर सकते हैं। तो अब अगर मैं बात करूँ तो यही डिफरेंस है दोनों सीरम की। जो न्यू पैकेजिंग वाला सीरम है उसमें इंग्रेडिएंट की मात्रा बढ़ा दी गई है और ऑयल की क्वांटिटी बढ़ा दी गई है जिस कारण से वो थोड़ा सा हैवी सा हो गया है। तो आई होप आपको न्यू पैकेजिंग और ओल्ड पैकेजिंग दोनों के डिफरेंस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे और इसमें क्या चेंजेस किए गए हैं वो भी अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आप इस प्रोडक्ट को लेना चाहते हैं तो आप अपनी स्किन के टेक्सचर के अकॉर्डिंग जो भी आपकी स्किन को सूट करे आप उसे ऑर्डर कर सकते हैं। स्किन ऑयली और कॉम्बिनेशन है तो आप ओल्ड पैकेजिंग वाले सीरम यूज कर ले और अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप न्यू पैकेजिंग वाले सीरम यूज कर ले। बस इतना सा डिफरेंस था दोनों सीरम में। और मैं इसे अपने फेस पे अप्लाई करके दिखाती हूँ आपको, आप इसे देख सकते हो ये जो है इस फेस के साइड में से अप्लाई करूंगी और इस फेस के साइड में से अप्लाई नहीं करूंगी। तो देख सकते हो यहाँ पे मैंने इसे ले लिया है देख सकते हो मैंने इस साइड में सीरम अप्लाई की है और इस साइड में नहीं अप्लाई की है बट इधर आप देख सकते हो ये कितनी ऑयली सी लग रही है और ये अच्छे से अब्जॉर्ब भी नहीं हो रही है। तो बस इतना सा डिफरेंस था दोनों प्रोडक्ट की।
वीडियो आपको पसंद आई हो और आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साइड में दिए गए हैं बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो थैंक यू, थैंक फॉर वॉचिंग।